हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। और होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बाहर। लोको एक एरिया है यहाँ जमशेदपुर में, और आप लोग को पता है कि मैं जमशेदपुर आ चुकी हूँ, तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा। तो लोको एक जगह है, वहाँ पे अभी मेला लगता है, पहाड़ी माता की पूजा होती है, तो बहुत अच्छा मेला लगता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और ये सडनली प्लान हुआ है जाने का। मेरी मासी है वो हमें लेकर जा रही है, तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और छत पे कपड़े लेने आई हूँ और जाती हूँ जल्दी से। मौसी आने वाली है और व्लॉग्स मैं शूट करूँगी आज, देखती हूँ क्या होता है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। और अगर आप लोग भी नए हो तो देखना कि कैसा होता है ये मेला। मैं, मम्मी जी और नायरा, हम लोग तीनों जा रहे हैं और आधा बातें करते हैं वहाँ जाकर। तो हम लोग निकल गए हैं लोको कॉलोनी जाने के लिए, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरी मौसी भी है, मेरी नानी भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब एक साथ ही जा रहे हैं इकट्ठे। और पहुंच चुके हैं हम लोग लोको कॉलोनी, और यहाँ पर माता की पूजा भी होगी और मेला भी लगा हुआ है, तो हम सही टाइम पे पहुंच गए थे क्योंकि हमने मेला भी अच्छे से देख लिया और मंदिर भी घूमा। ये है मंदिर, तो ये है माता, पहाड़ी माता की मंदिर। और अभी ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है, हम लोग बहुत पहले आ गए थे और ये इनफैक्ट सही टाइम था क्योंकि हमने अच्छे से देख लिया, मंदिर भी घूम लिया, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हम आए और यहाँ पे हमने फ्लावर्स भी लिया बाल में लगाने के लिए, गजरा, तो सब ने एक एक गजरा लिया और फिर सब ने बाल पे लगाया। तो मैंने आर्टिफिशियल वाला लिया क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जो रियल वाला होता है, तो मैंने आर्टिफिशियल गजरा लेकर अपने बालों पे लगाया था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे गजरा लगाना ऐसे भी बहुत पसंद है, तो सब ने गजरा लगाया अपने बालों पे। मासी, मासी की फ्रेंड्स आई थी, वो लोग भी थे, फिर मम्मी जी थी, नायरा थी, बहुत सारे लोग हम लोग गए थे साथ में ही। साउथ इंडियन स्टाइल लग रहा है। चलिए फोटो किस तरह आप लोग नायरू, इधर आओ, इधर आओ। तो जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगी
और हम लोग थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे तो अच्छा हमने मेला भी देख लिया, और अभी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो हम लोग भी मंदिर के करीब जा रहे हैं ताकि हम भी भगवान को देखें, माता रानी को देखें, क्योंकि अभी तक से माता रानी का श्रृंगार हो रहा था, तो अभी तक से मतलब जो पर्दा होता है वो हटा नहीं था, और इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे माता रानी के दर्शन के लिए। और मंदिर के बाहर भी एक भगवान जी है, मुझे प्रॉपर पता नहीं है इसीलिए मैं उतना बता नहीं पाऊँगी, बट सुनने में आया था कि वो भगवान माता रानी की रक्षा करते हैं, और उनको कुछ भी मन्नत हो तो इनको बोलना, ये जो सामने में भगवान जी है इनको पहले बोलना है, फिर उसके बाद माता रानी को बोलना है। तो यहाँ पे सारे लोग आके पूजा कर रहे थे यहाँ पे, और फिर यहाँ अंदर में माता के दर्शन के लिए सब खड़े हुए थे। और मैं तो पहली बार यहाँ पे गई थी पहाड़ी माता के मंदिर में, और मतलब जैसे ही माता का दर्शन हुआ मतलब मन, क्या बोलते हैं, दिल खुश हो गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवी माता प्रकट हो गई है। इतने देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि अब पर्दा हटेगा, अब पर्दा हटेगा, और फाइनली जब पर्दा हटने का बारी आया मतलब तब तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात देवी माता प्रकट होने वाली है, और सही टाइम पर ही मेरी जो फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, और मतलब मैं चाह रही थी कि रिकॉर्ड करूं अच्छे से प्रॉपर से ताकि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पाऊं, बट थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड हो पाया क्योंकि मेन टाइम पर ही मेरी फ़ोन की स्टोरेज जो थी वो फुल हो गई थी। तो ये आप लोग देख रहे होंगे पूरा आगे अंधेरा कर दिया गया था, और फिर बाजा बज रहा था, और पंडित जी निकले आगे, वो सीधा गए, फिर उसके बाद माता रानी का पर्दा हटा और पूरा अंधेरा था। ये देखो पंडित जी पीछे जा रहे हैं, और इतना मस्त सीन था ना, मतलब देवी माता ऐसा लग रहा था कि प्रकट हो गई है सामने से, बहुत अच्छा मस्त था, मतलब मस्त वाला सीन था ये पहाड़ी माता का। फिर सबने पूजा की और सब फिर ने बढ़िया से माता रानी का दर्शन कर लिया, और फिर हम बाहर आ गए मेले में, और मेले में फिर हमने कुछ खाया, और फिर बहुत सारी झांकियां निकलने वाली थी तो सब लाइन से खड़ी थी झांकियां, तो हमने झांकी भी देखी। ये सब भी आपको मैं दिखाऊंगी इसी वीडियो पे, तो एंड तक ज़रूर देखना ब्लॉग को। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और यहाँ पे शेर बनकर कुछ लड़के थे, वो माता रानी का शेर बनकर आए थे, तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ थी देखने को। और फिर आतिशबाजी भी हुई, तो हम लोग आतिशबाजी देखने के लिए रुके थे बहुत देर तक, फिर बारिश भी हो गई, तो फिर हम आतिशबाजी देखकर ही घर आए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शेर है, ये एक लड़का है वो शेर बना हुआ है।